मनाली की भी लेने जाए इसके लिए। अच्छा ये सेवन का फोन ऊपर से गिरा है जोरू ने। क्या कहती है मम्मी बच्चे का, कैसा लग रहा है आपको अपना फोन? ये लड़की मुझे कह रही है, क्या कह रही है लड़की? रूरू की कीवी खत्म हो गई है, वो लानी है। अच्छा मैंने से पूछा तो ले आओ, मैं कह रही जहाँ से आई है वहीं से आएंगी वो कीवी। मैंने कहा से आई थी, मैं कह रही मनाली से, मतलब मनाली कीवी लेने जाएं इसके लिए। अच्छा तो मैं चला जाता हूँ अकेले, तो मैं अकेले चला जाता हूँ ना। अच्छा मनाली कुछ ज्यादा प्यार नहीं हो गया तुम्हें मनाली से? अच्छा घर लूंगी बुढ़ापे में, बुढ़ापे में क्यों, जवानी में ले लेना चाहिए घर तो। जवानी में बच्चा अच्छा देखना है, बच्चे भी वहीं रखो, वहाँ स्कूल भी बढ़िया बढ़िया वहीं पढ़ाओ, और काम फिर बिजनेस वहीं से करो। एक और ऑटोमेशन पाना चाहिए, जब जब कर सकते हो, जब पूरी टीम होगी ना सिस्टम होगा तब। तो पूरी टीम सिस्टम यही बिठाओ ना, 15 दिन मारो चले जाओ कभी, तो यही होगा और क्या। ए क्या देख रहे हो तुम? ओ मंकी, कहाँ है मंकी? अच्छा मंकी इसमें आया, मंकी क्या आ जाओ मंकी। अच्छा पूछ दे पहले, पूछ दे तो मम्मा को, ये ला मंकी। जिम से आए थे, मैंने एक बार टायर को दिखा दें, इसमें बार बार हवा कम हो जाती है, इसमें छोटा मोटा पंचर भी हो सकता है। ये सेवन का फोन ऊपर से गिरा है जोरू ने, अब उठा के देखेंगे बचा नहीं बचा। ये गिरा वहां से दूसरी मंजिल से, क्या कहती है मम्मी बच्चे का? ओ बच गया भाई, बच गया, सिर्फ टाइम पड़ गया इसका। मजबूत है भाई फोन, है मजबूत है, एक कवर मजबूत बंदे निकल रहे ना, बंदे निकल जाता तो कवर। मैंने स्पाइजिंग का मंगाया था, देखियो कौन कहां कैसे हुआ, ये कोना तो गया उतरी भाई, बच गया ही तो। एक बार खोल के देखता हूँ, टेम्पर पर बहुत बुरी तरह गया है इसका, स्क्रीन में तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, साइड से इसी दरार से पड़ गई टेम्पर में। पीछे का ग्लास भी बच गया, कैमरे पे भी कुछ नहीं हुआ, वो भाई साहब कोई डेंट भी नहीं है साइडों में, सिर्फ कवर की ऐसे हुई है साइड से, ये इम्पैक्ट जल गया सारा कवर यहाँ पे, ये देखो फट गया यहाँ से, नया कवर था वैसे, और सारा यहाँ भाई फजूल हो गए। भले ही कवर ये 1500 रुपये के आते हैं ये कवर इसके ना, पर ये है भाई चलो, जबकि बहुत नॉर्मल कवर है, मेरे मोबाइल पर तो इससे भी अच्छा कवर है इसी कंपनी का, 2500 रुपये बहुत बढ़िया भाई। एक तो ये क्या है स्टेनलेस स्टील का है ना, तो डेंट इस पर आता नहीं है जल्दी से। अभी जो है से उनको नहीं पता है कि इसका फ़ोन बचा ही नहीं बचा, उसे लग रहा है टूट गया होगा, तो मैंने इसमें एक स्क्रीन को लगाया है वॉलपेपर इसमें वॉलपेपर लगा के, और इसको ऐसे जूम करके फिर दिखाऊंगा कि भाई गया तेरा फ़ोन। तो कैसा लग रहा है आपको अपना फ़ोन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये तो मुझे लगता है इससे कुछ भी वो नहीं, किसी दूसरे जो व्हाट्सएप कुछ नहीं आएगा, सब इसमें जो था इसमें। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चुप्पी क्यों है फिर? क्या हो गया? चिल्ला चिल्ला के बताएं। अब कौन सा फोन चलाओगे तुम? वो चलाऊंगा एंड्रॉइड और जो सारा डेटा गया वो अब कहां चलाऊंगा? चलो ठीक है मैं सही कर देता हूं। कवर की वजह से बचा है वो, जान बचा ली, तो कवर देखो कैसे उखड़ गया इसका साइड से, पूरा इम्पैक्ट ले गए, सारा इम्पैक्ट ले गए, इसलिए आज समझ में आया क्यों मैं बोलता हूँ ये वाला कवर लगा। ये स्क्रैच है इसकी वजह से, ये टेम्पर टूटा इसका हल्का, पहले से टूटा हुआ टेम्पर। तो भाई अभी आया था GST ऑफिसर है यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए, हमने GST नंबर लिया है, और आने के बाद सब कुछ देखा, सब कुछ सही है यार, नॉर्मल कोई भी घर से बिजनेस कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। उसने बोला कि हाँ बोर्ड लगाओ, मैं ठीक है वो लगवा लेंगे छोटा सा बोर्ड, क्योंकि उसमें होता है, पर हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं, हमारा सारा काम ऑनलाइन है। पर फिर उसके बाद वो कुछ पैसे मांग रहा था सेवन से है, जबकि हमारे सारे पूरे डॉक्यूमेंट जितने सब पूरे हैं, कितने पैसे मांग रहा था? 3000 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा फिर मैं यहाँ था नहीं, मैंने कहा चलो काय बात के भाई 3000। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि काय बात के, तूने कहा नहीं वो तो सब देते हैं। मैंने पूछा किस बात के, तुमने बोल सुनो ना किस बात के, हाँ। समझ तो मुझे तुम्हें आ गया था, पर मैंने फिर भी पूछा किस बात के, तो उसने बोला फोन काटो, मैंने फोन काट दिया, फिर कह रहा अच्छा ऐसा इशारे कर रहा था वो मालिक थोड़ी कर रहा था, उसका ड्राइवर कर रहा था ना, GST ऑफिसर का जो ड्राइवर था, स्टैनो बता रहा था अपना, उसको उसका स्टैनो था वो, ये कर रहा था। मैंने कहा अच्छा बेटा हमने ना दिया 1 रुपये भी, मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैं आ जब आया, मैं आते ही, मैंने आते ही होगा, मैंने आते उससे यूँ पूछा
यानी कि आप मेरे पहले उसमें बोलने लगा कि आप कैसे बेचोगे ऑनलाइन, इसे ऑनलाइन डालो, इसमें ई कॉमर्स का मेंशन नहीं है। मैंने कहा इसमें मैंने मेंशन इसलिए नहीं करा, मैंने कहा मैंने मेंशन इसलिए नहीं करा क्योंकि हम लोग YouTube से बेचेंगे, हमारे पास YouTube पे 4-5 चैनल है, तो उसमें हमारे क्या कहते हैं किसी पे 4 लाख सब्सक्राइबर, किसी पे 5 लाख है, किसी पे 2.5 लाख है सब्सक्राइबर। तो फिर वो चुप हो गया, नहीं कह रहा अच्छा है ना। फिर मैंने कहा सर आप, फिर मैंने कहा कि सर आपका कुछ इसमें, क्योंकि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है मेरा, हमारा क्या है ना। मैंने तो फिर सर नहीं कहा आप इसे बस ये डलवा दो, इसे मैं अप्रूव कर दूंगा अभी। ठीक है अभी तो कह के चला गया, उनके लिए अगर नहीं करा तो फिर मैं इसकी वीडियो जरूर अच्छे से बनाऊंगा भाई, यहाँ के पैसे मांग के गया। थोड़ा सा जब से लग गया था मैंने बताया यूट्यूब पे और हाथ में मेरा मोबाइल लगा हुआ था, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, वॉइस रिकॉर्ड करी उसकी बस। ठीक है, और फिर उसके बाद तो भाई साहब शीशा खोला नहीं उसने, फिर तो ड्राइवर ने ही बात करी है मुझसे जितनी बार भी आज। स्टैनो पेपर दे के नौकरी लगाई है, वो गवर्नमेंट जॉब है उसकी, ड्राइवर। अबे अबे कुछ भी हो उसकी बात नहीं है इज्जत की, पर जहाँ पे पता है डरा रहा हूँ, पता है भाई कितने कैसे से नहीं बना रहा, कैंसिल हो जाएगा ये, अप्रूव हो जाएगा सब कुछ, देने पड़ेंगे। मैं तो अमीर अटकाऊंगा एक तो ये बोर्ड नहीं, बोर्ड के लिए भी तो बोल रहा था कि बोर्ड नहीं लगा, 25,000 रुपए लगते हैं उसके। मतलब वो जो स्टैनो था ना, वो बंदा कुछ नहीं कह रहा है, वो स्टैनो बहुत रोब दिखा रहा था, सॉरी वो स्टैनो नहीं वो ड्राइवर बहुत रोब दिखा रहा था। अरे ये सब पता है, ये रिश्वत का पैसा खाने चक्कर में डराने करते हैं जो, अबे ये डराते हैं लोगों को। और पता है तुम सबसे बड़ी बात है कि ठीक है तू कर दे कैंसिल, अपना मोबाइल निकालो कि भैया मुझसे इतने रुपए मांग रहा है ये है ना, और भाई मेरा ये अप्रूव नहीं कर रहा, ये जो प्रॉब्लम है, अगर मैंने अगर पता है मेरी ये प्रॉब्लम है मैं सही करूंगा, ठीक है बोर्ड नहीं है मैं बोर्ड लगाऊंगा, ये नहीं मैं ये करूंगा, पर ये क्या बात है कि मुझे 3,000 रुपए दिया, 4,000 रुपए दे, 5,000 रुपए दे, काय बात है, 3,000 रुपए दे बोर्ड नहीं है तो अप्रूव कर दूंगा। हां अरे फालतू के बोल।